हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है DRDO सब टर्म 10 मैकेनिकल ट्रेड 3 मॉक टेस्ट नंबर 3। तो इस टॉपिक में हम आपको मैकेनिकल ट्रेड में जितने भी ट्रेड आते हैं, जैसे टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, टूल एंड डायमेकर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इनमें जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैकेनिकल ट्रेड के, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिए जाएंगे। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है DRDO सब टर्म 10 मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 3। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेम ऑफ स्लिप गेज। जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्लिप गेज का नाम कौन सा नहीं है। ये जो चार ऑप्शन दिया गया, इसमें से स्लिप गेज का नाम कौन सा नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गेज ब्लॉक, दूसरा जॉनसन गेज, तीसरा गेज ब्लॉक और चौथा ऑप्शन है लेनियर गेज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्लिप गेज का नाम नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेनियर गेज। इसमें से बाकी जो तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे, तीनों स्लिप गेज के नाम है, जो गेज ब्लॉक, जॉनसन गेज, गेज ब्लॉक या स्लिप गेज भी बोलते हैं, लेकिन लीनियर गेज नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्रेड ऑफ क्लासेस ऑफ स्लिप गेज आर प्रेजेंट। स्लिप गेज के कितने ग्रेड या वर्ग मौजूद है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 3 ग्रेड, दूसरा 5 ग्रेड, चौथा 6 ग्रेड और चौथा नंबर का है 4 ग्रेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लिप गेज के कितने ग्रेड या वर्ग मौजूद है, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि स्लिप गेज के कितने ग्रेड मौजूद है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज का अनुमानित आकार क्या है, मतलब जो हम स्लिप गेज यूज करते हैं इसका आकार क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके आकार कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होती है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 30 mm लंबाई, 10 mm चौड़ाई, दूसरा ऑप्शन है 45 लंबाई, 15 mm चौड़ाई, तीसरा ऑप्शन है 20 mm लंबाई और 5 mm चौड़ाई और चौथा ऑप्शन है 25 mm लंबाई और 10 mm चौड़ाई। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि स्लिप गेज का अनुमानित आकार क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 mm लंबाई और 10 mm चौड़ाई। तो जो स्लिप गेज हम यूज़ करते हैं उसकी लंबाई होती है 30 mm और उसकी चौड़ाई होती है 10 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड सेट गेज ऑफ मेट्रिक यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेट्रिक इकाई का अनुशंसित सेट गेज नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछा है। मतलब स्लिप गेज का जो सेट आता है, तो इसमें से जो ऑप्शन में से आपको निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेड अवेलेबल नहीं है मेट्रिक यूनिट में, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है M112, दूसरा M105, तीसरा M19 और चौथा ऑप्शन है M33। तो जो क्वेश्चन ने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मेट्रिक स्लिप गेज का सेट कौन सा इनमें से नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, M95। M95 का कोई सेट नहीं होता स्लिप गेज का, और जो M दिखा है, इस M का मीनिंग होता है मेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ड्राइव द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग टर्निंग के दौरान कार्य को चलाने के लिए किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कैच प्लेट, दूसरा कैरियर, तीसरा बोथ कैच प्लेट एंड कैरियर, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबो। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग टर्निंग के दौरान कार्यों को घुमाने के लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैच प्लेट एंड कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और हम इसी तरह के रेगुलर क्लास हम आपको आपके एग्जाम तक करवाएंगे। और कोई क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन के ऑप्शन अगर आपको गलत लगता है, तो हम उसे चेक करके जो हम डिस्क्रिप्शन में PDF देते हैं, PDF में भी चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 6वां नंबर का क्वेश्चन है, द वर्क इज क्लैम्प फॉर्मली बाय अ सेट स्क्रू इन द लेथ। लेथ में सेट स्क्रू द्वारा वर्क पीस को मजबूती से पकड़ा जाता है, जो क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कैच प्लेट, दूसरा कैरियर, तीसरा बोथ कैच प्लेट एंड कैरियर, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबो। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि द वर्क इज क्लैम, मतलब जो आपको क्लैम किया जाता है सेट स्क्रू के साथ और किसके साथ, यही क्वेश्चन में पूछा गया है।
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैरियर। जब हम सेंटर टू सेंटर काम करते हैं तो जो आपको क्लाम किया जाता है कैरियर के साथ, जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरियर में कंसिस्ट ऑफ, जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कैरियर कौन से मटेरियल से बना होता है, यही क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा फोर्ज स्टील बॉडी, तीसरा क्लैंपिंग स्क्रू और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि लेथ के मशीन के जो कैरियर होते हैं, कैरियर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर उसके क्या मटेरियल है, ये क्वेश्चन ने पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब वो कास्ट आयरन से भी बना होता है कैरियर, फोर्ज स्टील की उसकी बॉडी होती है और उसके क्लैंपिंग स्क्रू लगे होते हैं। मतलब ये जो आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, तीनों ऑप्शन कैरियर में मेंशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेल ऑफ द कैरियर इज मेन टॉप, कैरियर के टेल का मतलब क्या है, जो कैरियर में टेल होता है स्ट्रेट टेल बेंड टेल, उसका क्या कार्य है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लोकेट द वर्क पीस, दूसरा ड्राइव द वर्क पीस, तीसरा बोथ लोकेट एंड वर्क लोकेट द वर्क पीस एंड ड्राइव द वर्क पीस, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि लेथ मशीन लेथ कैरियर में जो टेल होते हैं उसका क्या कार्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ लोकेट द वर्क पीस एंड ड्राइव द वर्क पीस, मतलब जो आपको लोकेट भी करता है और वर्क पीस को ड्राइव भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंटेल टाइप इज यूज इन कंजक्शन विथ, बेंटेल कैरियर का प्रकार रिक्त स्थान के साथ संयोजन के रूप में किया जाता है, जो बेंटेल कैरियर है इसका उपयोग किसके साथ किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा स्लॉटेड कैच प्लेट, तीसरा फेस प्लेट और स्लॉटेड कैच प्लेट और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि बेंटेल कैरियर का उपयोग किसके साथ किया जाता है, नेक्स्ट इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फेस प्लेट और स्लॉटेड कैच प्लेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ सेंटर आर देयर इन लेथ मोस्टली, जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि लेथ मशीन में कितने प्रकार के मुख्य सेंटर होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक प्रकार, दूसरा दो प्रकार, तीसरा तीन प्रकार और चौथा ऑप्शन है चार प्रकार। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि लेथ मशीन में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सेंटर होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन से, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो नहीं होना है कि आपको पता होगा कि सेंटर बहुत सारे प्रकार के आते हैं, लेकिन इसमें जो कॉमन दो प्रकार होते हैं, एक लाइव सेंटर दूसरा डेड सेंटर। डेड सेंटर में बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे रिवॉल्विंग सेंटर, बॉल सेंटर, पाइप सेंटर, स्विवल वी सेंटर, ये सब पूरे डेड सेंटर के प्रकार है, लेकिन मुख्य प्रकार सिर्फ दो ही है, एक लाइव सेंटर दूसरा डेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सेंटर इन लेथ, निम्नलिखित में से कौन सा लेथ सेंटर का प्रकार नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लाइव सेंटर, दूसरा न्यूट्रल सेंटर, तीसरा डेड सेंटर, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लेथ सेंटर का प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रल सेंटर, क्योंकि लाइव सेंटर जैसे इसके पहले भी मैंने बताया था मुख्य प्रकार होते हैं लाइव सेंटर और डेड सेंटर भी होते हैं, लेकिन इसमें जो लेथ मशीन के जो सेंटर का प्रकार नहीं है ऑप्शन में से, तो हमारा ऑप्शन नंबर टू न्यूट्रल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप्स ऑफ लेथ सेंटर द हार्ड टिप इज वेयर रेसिस्टेंट, जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि किस प्रकार के लेथ सेंटर में हार्ड टिप घिसावट विरोधी होती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टिप सेंटर, दूसरा रिवॉल्विंग सेंटर, तीसरा ऑर्डिनरी सेंटर, चौथा हाफ सेंटर। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि किस प्रकार के लेथ सेंटर में हार्ड टिप घिसावट विरोधी होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टिप सेंटर, क्योंकि टिप सेंटर के जो टिप होता है वो कार्बाइड टिप के होते हैं, इसलिए ये बहुत कम घिसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर लेथ सेंटर मेड ऑफ वेरी हार्ड मटेरियल, लेथ सेंटर अत्यधिक कठोर सामग्री से अत्यधिक कठोर मटेरियल से क्यों बने होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू रेसिस्ट डिफ्लेक्शन, दूसरा ऑप्शन है टू रेसिस्ट वेयर, तीसरा टू रेसिस्ट डिफ्लेक्शन एंड वेयर बोथ, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि लेथ मशीन का जो सेंटर होता है इसका मटेरियल हार्ड मटेरियल से क्यों बने होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू रेसिस्ट डिफ्लेक्शन एंड वेयर, मतलब विपेक्षण का विरोध करने के लिए और घिसने से बचाने के लिए इसका मटेरियल हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ सेंटर इज पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर टेपर टर्निंग, टेपर टर्निंग के लिए कौन से सेंटर का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉल सेंटर, दूसरा फीमेल सेंटर, तीसरा हाफ सेंटर, चौथा है नॉन ऑफ मेंशन। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि टेपर टर्निंग करने के लिए कौन से
प्रकार का सेंटर उपयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉल सेंटर। बॉल सेंटर का उपयोग करके हम टेपर टर्निंग बाय टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड से किया करते हैं, इसलिए इसका आंसर है बॉल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ सेंटर फॉर जनरल पर्पज वर्क? जनरल पर्पज वर्क करने के लिए सेंटर का इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री और चौथा 75 डिग्री। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि जनरल पर्पज वर्क के लिए सेंटर का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ लेथ सेंटर? निम्नलिखित में से कौन सा लेथ सेंटर का प्रकार है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑर्डिनरी सेंटर, दूसरा टिप सेंटर, तीसरा बॉल सेंटर, चौथा ऑल ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन ने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर सेंटर लेथ सेंटर का प्रकार है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन। मतलब इसमें जो तीन सेंटर बताए गए तीनों लेथ मशीन के सेंटर है, ऑर्डिनरी सेंटर, टिप सेंटर और बॉल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप्स ऑफ सेंटर इज यूज टू ड्रिल होल अक्रॉस द राउंड जॉब बाय यूजिंग अ ड्रिल बिट इन द हेडस्टॉक स्पिंडल। हेडस्टॉक स्पिंडल में ड्रिल बिट का उपयोग करके राउंड जॉब में होल करने के लिए किस प्रकार के सेंटर का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सुवेल वी सेंटर, दूसरा फीमेल सेंटर, तीसरा हाफ सेंटर, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन ने पूछा गया था कि हेडस्टॉक स्पिंडल में ड्रिल बिट का उपयोग करके राउंड जॉब में होल करने के लिए किस प्रकार के सेंटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुवेल वी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ टेलीस्टॉक। टेलीस्टॉक के डायग्राम को देखना है, उसके नीचे जो क्वेश्चन दिया गया, द पार्ट शो इन द ब्लू कलर इन द बिलो डायग्राम इज कॉल्ड एज। तो जो टेलीस्टॉक के डायग्राम में आपको ब्लू कलर में जो पार्ट दिखाया गया, इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो टेलीस्टॉक का डायग्राम है, इस टेलीस्टॉक के डायग्राम में इस पार्ट को ब्लू कलर से मार्क किया गया है, तो इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टेलीस्टॉक क्लैंपिंग लीवर, दूसरा टेलीस्टॉक डेड सेंटर, तीसरा टेलीस्टॉक स्पिंडल और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन ने पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया टेलीस्टॉक में ब्लू कलर में जो मार्क किया गया उस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेलीस्टॉक डेड सेंटर। ये जो आपको टेलीस्टॉक स्पिंडल में लगा हुआ दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, यह है टेलीस्टॉक डेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन द टूल ऑफ सेंटर लेथ मूव परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब लेथ सेंटर का टूल रोटेशन के धुरी के लंबवत चलता है, तो उस समय कौन सा सरफेस प्रोड्यूस करता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इट प्रोड्यूस अ सिलेंड्रिकल सरफेस, दूसरा इट प्रोड्यूस अ फ्लैट सरफेस, तीसरा इट प्रोड्यूस अ टेपर सरफेस और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब सेंटर लेथ का टूल रोटेशन के धुरी के परपेंडिकुलर चलता है, तो उस समय कौन सा सरफेस प्रोड्यूस होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट प्रोड्यूस अ फ्लैट सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशन ऑफ द लेथ सेंटर इज कॉल्ड एज। लेथ मशीन के फाउंडेशन को क्या कहलाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंटर लेथ का फाउंडेशन कौन सा है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कैरेज, दूसरा ट्रे, तीसरा बेस, चौथा है बेड। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंटर लेथ का फाउंडेशन कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेड, क्योंकि बेड यह एक लेथ मशीन का मेन पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर लेथ रिसीव देयर पावर थ्रू। सेंटर लेथ अपनी शक्ति प्राप्त तो कहाँ से करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हेडस्टॉक, दूसरा टेलीस्टॉक, तीसरा बोथ हेडस्टॉक टेलीस्टॉक, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंटर लेथ अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेडस्टॉक। हेडस्टॉक से पूरे मशीन में पावर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैरेज ऑफ द सेंटर लेथ। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर लेथ मशीन के कैरेज का भाग नहीं है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल पोस्ट, दूसरा एप्रॉन, तीसरा कंपाउंड रेस, चौथा गियर बॉक्स कंट्रोल। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर लेथ के कैरेज का भाग नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गियर बॉक्स कंट्रोल, क्योंकि कैरेज के साथ ये सब पार्ट लगे होते हैं, टूल पोस्ट, एप्रॉन और कंपाउंड रेस्ट, लेकिन गियर बॉक्स कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्विंग ओवर कैरेज। स्विंग ओवर कैरेज का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ वर्कपीस दैट कैन बी रोटेट ओवर द बेड बेज।
दूसरा ऑप्शन है द मिनिमम डायमीटर ऑफ वर्कपीस दैट कैन बी रोटेट ओवर द बेड बेज, तीसरा ऑप्शन है द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ वर्कपीस दैट कैन बी रोटेट ओवर लेथ सैडल, चौथा ऑप्शन है द मिनिमम डायमीटर ऑफ वर्कपीस दैट कैन बी रोटेट ओवर द लेथ सैडल। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि स्विंग ओवर कैरेज से आप क्या समझते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ वर्कपीस दैट कैन बी रोटेटेड ओवर द लेथ सैडल, मतलब वर्कपीस का अधिकतम व्यास जिसे लेथ सैडल पर टर्न किया जा सकता है उसे बोला जाता है स्विंग ओवर कैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू फेस अ वर्कपीस ऑफ 100 मिलीमीटर डायमीटर, द क्रॉस फीड इज 0.2 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन एंड स्पिंडल स्पीड इज 200 RPM। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टाइम मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करना है, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फीड रेट दिया 0.2 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, जो आपका डायमीटर दिया है 100 mm और स्पिंडल स्पीड मतलब RPM दिया है 200। जिसके लिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखाएंगे कि इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है 10 मिनट, दूसरा 5 मिनट, तीसरा 2.5 मिनट, चौथा ऑप्शन है 1.25 मिनट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2.5 मिनट। तो किस तरह से 2.5 मिनट आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मशीनिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला देखना है, मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जॉब इंटू नंबर ऑफ कट डिवाइडेड बाय फीड इंटू RPM। तो जो क्वेश्चन में दिया गया था लेंथ ऑफ जॉब हमें ये जो डायमीटर के रूप में दिया गया था 100 mm यही लेना है। हंड्रेड एम एम को लेकर तो यहाँ पर हमने 200 mm कर लेकर कैलकुलेट किया है, तो आपको यहाँ पर 100 mm लेकर कैलकुलेट करना है। तो जो अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर वर्कपीस का डायमीटर अगर 200 mm दिया जाता तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना था इस फार्मूला का उपयोग करके, लेंथ ऑफ जॉब की जगह पे आपको डायमीटर रखना था लेंथ ऑफ, इस जहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस फार्मूला के ऊपर वैल्यू पुट अप किया है, उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद इसका सही आंसर आता है 2.5 मिनट, लेकिन इसमें हमने 200 मिलीमीटर लेके कैलकुलेट किया है, इसमें आपको 100 मिलीमीटर लेके कैलकुलेट करना है। लेकिन फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट देखना है कि जो फार्मूला है ये फार्मूला में वैल्यू पुट अप करके आपको सॉल्व करना है, फार्मूला हमारा एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है लेकिन इसमें जो वैल्यू है वैल्यू आप चेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलस्टॉक सेट ओवर मेथड ऑफ टेपर टर्निंग इज प्रिफर्ड फॉर, टेपर टर्निंग की विधि के ऊपर टेलस्टॉक सेट को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेलस्टॉक जो टेपर टर्निंग हम करते हैं टेलस्टॉक सेट ओवर मेथड से तो उस समय टेपर कौन से टेपर प्रोड्यूस होता है यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई कंपाउंड रेस्ट के सहायता से टेपर टर्निंग करते हैं तो उसमें कौन से टेपर टर्निंग करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल या फिर टेपर थ्रेड, तो उसी तरह से यही क्वेश्चन पूछा गया है कि टेलस्टॉक सेट ओवर मेथड से टेपर टर्निंग करते समय कौन से टेपर टर्निंग हम कर सकते हैं निम्नलिखित में से। इसके लिए पहला ऑप्शन है इंटरनल टेपर, दूसरा स्मॉल टेपर, तीसरा लॉन्ग सिलेंडर टेपर, चौथा ऑप्शन है स्टेप टेपर। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि टेपर टर्निंग टेलस्टॉक सेट ओवर मेथड से टेपर टर्निंग करते समय कौन से टेपर प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्मॉल टेपर, टेलस्टॉक सेट ओवर मेथड से टेपर टर्निंग करते समय करने के बाद स्मॉल टेपर ही हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लंबाई तक टेपर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ नट मैकेनिज्म इज इम्प्लाय वाइल परफॉर्मिंग रिक्त स्थान ऑपरेशन इन लेथ, लेथ मशीन लेथ में रिक्त स्थान ऑपरेशन करते समय हाफ नट मैकेनिज्म का कार्यकरण होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है अंडर कटिंग, दूसरा प्लेन टर्निंग, तीसरा थ्रेड कटिंग, चौथा टेपर टर्निंग। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि जो हाफ नट मैकेनिज्म का हाफ नट मैकेनिज्म लेथ मशीन का जो भाग है इसका उपयोग कब किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग करते समय हाफ नट मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलार्जिंग एंड एग्जिटिंग होल विथ अ रोटेटिंग सिंगल पॉइंट टूल इज कॉल्ड, रोटेटिंग सिंगल पॉइंट टूल से मौजूदा होल को बड़ा करने को कौन सा ऑपरेशन कहा जाता है यही क्वेश्चन में पूछा है कि जो एक होल होता है उस होल को सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के सहायता से उसका डायमीटर बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है यही क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन है बोरिंग, दूसरा ड्रिलिंग, तीसरा रिमिंग, चौथा ऑप्शन है इंटरनल टर्निंग। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि कोई होल को अगर हमें उसका डायमीटर इंटरनल डायमीटर हमें बढ़ाना है तो उस समय जो
सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से ऑपरेशन की जाती है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली लेथ टूल इज मेड ऑफ, रिक्तिस्तान स्टील। जनरली लेथ मशीन के कटिंग टूल कौन से मटेरियल से बना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है आयरन, आयरन मतलब लोहा, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा कास्ट आयरन और चौथा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनरली लेथ मशीन के टूल कौन से मटेरियल से बना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेथ विथ 15 सेंटीमीटर सेंटर, द लेथ विथ 15 सेंटीमीटर सेंटर हाइट वुड हैव अ स्विंग ओवर द बेड। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो लेथ का सेंटर हाइट है वो अगर 15 सेंटीमीटर हो तो इसमें हम कितने डायमीटर के जॉब को टर्न कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, दूसरा 20 सेंटीमीटर, तीसरा 50 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि अगर लेथ मशीन की सेंटर हाइट 15 सेंटीमीटर हो तो उसमें हम कितने सेंटीमीटर के जॉब को हम टर्न कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना हाइट होता है इसके डबल डायमीटर के हम जॉब को टर्न कर सकते हैं। इसलिए 15 सेंटीमीटर अगर हाइट होगा तो उसका डबल 30 सेंटीमीटर के जॉब को हम टर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन लेथ, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेशन लेथ मशीन में परफॉर्म किए जाते हैं, यही क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है अंडरकट, दूसरा थ्रेडिंग, तीसरा फेसिंग, चौथा ऑप्शन है एल ऑफ द अबो। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन लेथ मशीन पर किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब लेथ मशीन में हम अंडर कटिंग भी कर सकते हैं, थ्रेडिंग भी कर सकते हैं और फेसिंग भी कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था DRDO सप्तम 10 मैकेनिकल ट्रेड 3 मार्क टेस्ट नंबर 3, इसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। जो एक क्वेश्चन था हमारा कैलकुलेशन का, वो हम PDF में चेंज करके देंगे।